तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप टू का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। यानी कि हमें जो है ना अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो टॉप टाइप टू चल रहा है हमारा क्वेश्चन, उसका जो है ना ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि टोटल मैं तीन तरह का क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग को डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम से, ठीक है, जो कि काफी पॉपुलर है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये रहा ये आपका बी नंबर, यानी कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से ये सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब एक आदमी है वो क्या कर रहा है ना, एक बोट को चला रहा है, ठीक है ना, बोट को क्या कर रहा है, बोट का रोइंग कर रहा है। और वो रोइंग किस तरह से कर रहा है, जब वो धारा के साथ जा रहा है ना तो क्या लग रहा है ना, वो 20 किलोमीटर जो है ना डिस्टेंस को कवर कर रहा है कितने देर में, 2 आवर्स में, ठीक है ना, धारा के साथ। इसका मतलब क्या होगा ना, इसके स्पीड को कौन सपोर्ट कर रहा है, वाटर का यानी स्ट्रीम भी सपोर्ट कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। ये इस साइड में वाटर भी फ्लो कर रहा है यानी स्ट्रीम का भी यही धारा है, स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और जो बोट जो है ना उसका भी रोइंग जो है ना वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना दूसरा कह रहा है क्या इसका सेकेंड पार्ट में कि 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है ना, अप स्ट्रीम में जो है ना, अब क्या है ना जब वो रोइंग कर रहा है तो इधर से धारा जा रही है, इस साइड में इस डायरेक्शन में धारा जा रही है, और वो जब इसके अपोजिट आ रहा है ना, यानी अप स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, अप स्ट्रीम अगर वो आ रहा है ना तो उसका जो है ना स्पीड बिल्कुल घट जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 4 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पा रहा है 2 आवर्स में। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, ठीक है, और सेकेंड चीज पता करना है कि स्पीड ऑफ स्टीम और धारा का क्या स्पीड है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए पहला चीज क्या ले रहे थे, दोनों में से कुछ भी हमें नहीं पता, स्पीड ऑफ रोइंग भी नहीं पता है, या फिर बोट की बात करें, स्पीड ऑफ बोट या रोइंग दोनों एक ही बात हुई, तो दोनों में से किसी का भी पता नहीं है, तो हम इसको ले लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और स्पीड ऑफ वाटर कितने के बराबर हो गया ये भी नहीं दिया है, तो इसको भी लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, पहला सिचुएशन डाउन स्ट्रीम का बन रहा है और सेकेंड सिचुएशन हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा अप स्ट्रीम का बन रहा है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डाउन स्ट्रीम को लेते हैं, डाउन स्ट्रीम सिनेरियो जो है ना, पहला जो सिचुएशन बन रहा है, जो सिनेरियो जो बन रहा है, उस सिनेरियो में हम लोग डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर कर रहा है, ये लिखते हैं 20 किलोमीटर। स्पीड क्या होगा, देखिए स्पीड क्या होगा ना, डाउन स्ट्रीम में दोनों एक ही डायरेक्शन में बहेगा, ठीक है ना, इधर दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, इसलिए जो रोइंग को ना यानी कि बोट को कौन सपोर्ट करेगा, वाटर भी उसको सपोर्ट करेगा, यानी उसको हम प्लस मानेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी कि इसका स्पीड कितने के बराबर हो जाए, एक्स प्लस वाई। और टोटल कितना समय लग रहा है, तो 2 आवर्स लग रहा है, मतलब 2 घंटे में इतना 20 किलोमीटर जा रहा है किसके, धारा के साथ में, यानी कि डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। इस हिसाब से हमारा स्पीड कितने के बराबर होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा है 20 किलोमीटर, लिख दिया यहाँ पे 20 किलोमीटर। एंड आवर कितना है, टाइम कितना है, 2 घंटे, ठीक है ना। और स्पीड क्या है, स्पीड जो है ना हमारा एक्स प्लस वाई, अभी अभी तो निकाला, क्योंकि बोट को कौन सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रीम भी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए एक्स प्लस वाई हो गया, ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसको और इसको करते हैं, ठीक है ना, अब जो है ना हमारा क्या वैल्यू आता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। तो चलिए अब जो है ना सेकंड सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में जब अप स्ट्रीम की बात करें तो वो अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जा रहा है, मात्र 4 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर। और 4 किलोमीटर क्यों कर रहा है वापस, इतना कम क्यों है वैल्यू, इसलिए क्योंकि जो है ना इधर जो है ना इस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है यानी स्टीम बह रहा है, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है वो, यानी कि स्पीड जो है ना वाटर का स्पीड जो है ना इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इसलिए हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ये जो बोट का रोइंग का जो स्पीड है उसमें जो है ना वाटर उसको अपोज कर रहा है, इसलिए इसको माइनस डाल दिया। और टाइम सेम है, टाइम कितना है, 2 आवर्स, सेम टाइम है, टाइम भी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है।
अब आगे आते हैं, यानी कि अब स्पीड निकालते हैं क्या हो गया। तो स्पीड कितने बार बार x माइनस वाई के बराबर होगा, प्लेस कर दिया। डिस्टेंस कितना है 4, एंड टाइम कितना लग रहा है मेरा 2 घंटे लग रहा है, ठीक है ना। इसको जब सिंप्लीफाई करते काटते तो ये मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जा रहा है, ठीक है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। अब इस तरह से क्या हो रहा है ना, हम लोग के 2 इक्वेशन मिल जा रहा है। पहला इक्वेशन कौन सा, तो पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये 2 इक्वेशन हमें मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को लेके आती है, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को जो है ना एलिमिनेशन मेथड के x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2 एलिमिनेशन मेथड यूज करते ये y टू y जो है ना वो कैंसिल हो जा रहा है। अब क्या आ रहा है 2x इज इक्वल टू 12, इसलिए x इज इक्वल टू 12/2, यानी कि ये हो गया। अब मेरा x का वैल्यू निकल आया, ठीक है ना, x का वैल्यू कितना आया 6 आ गया, ठीक है। अब जो है ना किसी इक्वेशन में, चाहे ये मर्जी है इस इक्वेशन में या फिर ये, मतलब कि 2 इक्वेशन है हमारे, दोनों में से किसी में भी x का वैल्यू को प्लेस करके क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब जो है ना मैं कोई भी ले लेते रैंडमली, इसको ले लेते, ठीक है ना, ये वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ x की जगह पे 6, y इज इक्वल टू कितना 10 माइनस 6 यानी कि 4 किलो, ठीक है ना। अब यानी कि x किसके लिए माने हैं, x स्टैंड कर रहा है हमारे लिए, x जो है ना वो रोइंग मतलब बोट का स्पीड या फिर रोइंग का स्पीड कितना है 6 किलोमीटर x। तो ये हमारा आंसर आ जा रहा है, x का वैल्यू जो आ रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एंड स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्टीम का, जिसको हम लोगों ने y माना है, उसका वैल्यू कितना आ रहा है 4 किलोमीटर, y का वैल्यू मेरा 4 किलोमीटर। थैंक यू बच्चा लोग।